आसिन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार आसिन नगर पालिका के वार्ड संख्या 22 पार्षद अनिल सिंह तंवर ने वार्ड संख्या 22 के मुख्य मार्ग ब्यावर चुंगी नाका से ड्रीम फर्नीचर तक नवीन डिवाइडर बनाने को लेकर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू को ज्ञापन सौंपा। पार्षद अनिल सिंह तंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021 में नगर पालिका क्षेत्र में 10 किलोमीटर की नवीन सड़कें स्वीकृत की गई, जिसके अनुसार नगर पालिका आसिन द्वारा प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग आसिन को भिजवाया गया। उक्त सड़क मार्ग पर सड़क के साथ डिवाइडर निर्माण होने से नगर का सौंदर्यकरण बढ़ेगा, साथ ही आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से कमी होगी। डिवाइडर निर्माण को लेकर पूर्व में भी नगर वासियों द्वारा मांग रखी गई। उक्त मार्ग 100 फीट चौड़ा है। पार्षद अनिल सिंह तंवर ने बताया कि ब्यावर भीलवाड़ा होने से मुख्य मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिसमें अधिकतर वाहन तेजी से गुजरते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। कितनी बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस संबंध में पार्षद तंवर ने नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू से मांग की है कि उपखंड कार्यालय के पास यातायात नियंत्रण बैरिकेड्स एस नुमा आकार में लगाया जाए, जिससे तेज गति आने वाले वाहनों पर अंकुश लग सकेगा। जबकि मुख्य मार्ग पर रावणा राजपूत कॉलोनी स्थित है, साथ ही तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय, उपकोष कार्यालय, मुख्य ब्यावर चुंगी नाका चौराहा स्थापित है, जहां रोजाना आमजनों का आना जाना लगा रहता है। पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने कहा कि अतिशीघ्र जनहित के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करवाया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि संजय कुमार सैन उपस्थित थे।